हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहिनी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम लोग जा रहे हैं कालका जी मंदिर। आज मम्मी भी हम लोगों के साथ जा रही है। एक्चुअल में वर्षा की शादी के कार्ड आ गए हैं, तो हम वो माता को इनवाइट करने जा रहे हैं शादी के लिए। तो सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ और वहीं से फिर हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं अपनी जो मेरे मायके की कुल देवी है उनके यहाँ पर कार्ड देने। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मतलब शादी की तैयारियां चालू हो गई है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ रास्ते में। हम लोग निकल चुके हैं और मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया था, तो मुझे पार्सल भी अभी रिसीव हो गया है। आप देख सकते हो, ये दोनों मेरे पार्सल मिल गए हैं मुझे। चलिए फिर अब मैं रोड पे आ गई हूँ, मैं मास्क लगा लेती हूँ। चलिए फिर मैं आपसे मंदिर में मिलती हूँ। हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और आज पहली बार ऐसा हुआ है, मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिली थी हम लोगों को। और वर्षा, मम्मी और पापा वो लोग लाइन में लग गए थे। हमें जो भी थोड़ा बहुत सामान लेना था तो हम वो लेने लग गए थे। आप इंजॉय कीजिए वीडियो, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी लंबी लाइन लग रही है। ये पूरा वो जो पुराना रास्ता होता है मंदिर में जाने का, वहाँ से लेकर लाइन थी और पूरे नए रास्ते तक पूरी इतनी लंबी लाइन लग रही थी। हमारा तो करीब 2 घंटे के बाद नंबर आया था मंदिर में जाने का, और बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए थे। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो हम लोगों ने 2 घंटे तक सब्र किया और अच्छे से हम लोगों के दर्शन हो गए थे। ये हम सब लोग लाइन में लगे हुए हैं और इतनी ज़्यादा ठंड थी कल। एक तो ऊपर से सारा खुला था और इतनी हवा भी चल रही थी, और आप तो देख ही सकते हैं धीरे धीरे लाइन चल रही है। यहाँ पर अथर्व नानू के साथ एंजॉय कर रहा है। अब हम लोग काफ़ी अंदर आ गए थे, आप देख सकते हैं सामने मंदिर दिख ही रहा है। हम लोगों ने दर्शन अच्छे से कर लिए थे, अंदर से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। ये ऊपर का रास्ता है जहाँ परिक्रमा करते हैं, ये वहाँ का है। तो अंदर ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई थी और करने भी नहीं देते हैं, इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया ज़्यादा। और जहाँ जहाँ का शूट हो पा रहा था वहाँ का मैं कर रही थी।
हम लोग घर आ चुके हैं और मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। आप लोगों ने देखा ही कितनी ज़्यादा भीड़ थी, पर फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। एक्चुअल में आज जो एकादशी है, इस वजह से आज ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। वैसे मैं, आप लोगों को पता ही है, हर सैटरडे जाती ही हूँ कालका जी, इतनी भीड़ नहीं रहती है, पर आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। तो बस अभी मम्मी खाना बना रही हैं और टाइम 10:30 हो गए हैं। हम लोग थोड़ा सा सामान वगैरह ख़रीदना था हम लोगों को, तो वो सब ख़रीदते हुए आए थे, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस अभी मम्मी खाना बना रही है, हम लोग खाना खाने के बाद जो भी हम जब मैं आती हूँ तो सब लोग एक साथ बैठ के बातें करते हैं, तो बस वही बातें करेंगे। कल सुबह भी जल्दी निकलना है, जैसे कि मैंने बताया कल सुबह हम लोगों को जो मेरे मायके की कुल देवी है वहाँ जाना है कार्ड देने, तो वहाँ पे भी ज़रूरी है जाना, तो इसलिए कल सुबह हम शायद 11 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 घंटे का रास्ता है, तो फिर भी हम 11 बजे तक निकल जाएंगे और फिर वापस भी आना है, क्योंकि कल भी हमें एक जगह जाना है, मार्केट जाना है, मतलब कुछ सामान उठा के लेके आना है, तो इसलिए जल्दी आने की वहाँ से कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती हूँ, बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और थोड़ा गला भी बैठा हुआ है, जुकाम तो बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ चेंज लग रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ अभी। हेलो, हम लोगों ने डिनर कर लिया है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने सोचा इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।